इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों। सभी लोग फोटोज वीडियोस, अच्छे अच्छे फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे सब डालना चाहते हैं और डालते भी हैं। लेकिन दोस्तों फोटोज, फोटो एडिटिंग, वैसे हमने वीडियो कर दिया है, वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। लेकिन वीडियोस अगर आपको एडिट करना है, इट इज नॉट एज सिंपल एज फोटोज। उसके लिए अच्छे वीडियो एडिटिंग एप्स चाहिए, एंड स्पेशली अगर ज्यादा करके वीडियो एडिटिंग, फ्री वीडियो एडिटिंग एप्स आप देखोगे तो या तो उनमें वाटरमार्क होता है या फिर लो रेजोल्यूशन पे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, Not FHD या फिर 4K। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे वीडियो एडिटिंग एप्स बताने वाला हूं जिनमें वाटरमार्क नहीं है। एक में है, लेकिन ऐड देख के आप वो वाटरमार्क भी हटा सकोगे। दूसरी बात, ये कम से कम फुल HD, कुछ कुछ एप्स तो 4K एक्सपोर्ट भी आपको देते हैं, और कुछ कुछ में तो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइम लेंथ का, हाउ बिग इज द वीडियो। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो एडिटिंग एप्स है बहुत यूनिक है, अलग है, सभी अलग है, सबके बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए, डू दैट राइट नाउ। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला ऐप जो है दोस्तों, उसका नाम है स्प्लाइस। स्प्लाइस पता है आपको, कट करना, इटालियन ऐप है, 76 MB का है, ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, एंड लिटरली प्रो प्रोफेशनल लेवल डेस्कटॉप एडिटिंग आप कर पाओगे। सो दैट इज रियली गुड, मतलब जितना भी डीप आप जाओगे उतना ज्यादा आप कर पाओगे, सो इट इज रियली गुड। एंड मोबाइल डिवाइस, छोटे स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज है, आप ट्रिम कर पाओगे, कट कर पाओगे, फोटोज अलग अलग मर्ज करने आपको वो कर पाओगे, अलग अलग वीडियो क्लिप्स डालने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डालना है, जो बेसिक सब चीजें हैं वो तो आप कर ही पाओगे, साथ में एक्स्ट्रा भी है, टाइटल्स, ओवरले टेक्स्ट, ये सब चीजें आती है, डेफिनेटली लुक एट स्प्लाइस। और हाँ, 4K एक्सपोर्ट कर पाओगे, मतलब एक 4K वीडियो क्लिप आपको डालनी है, यू कैन डू इट विद इट विदाउट वाटरमार्क। दोस्तों वीडियो एडिटिंग में ग्लिच इफेक्ट जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर, बिकॉज एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं आपके वीडियोस। और ये जो अगला ऐप है दोस्तों, उसका नाम वीडियो एडिटर है, लेकिन बेसिकली ग्लिच वीडियो इफेक्ट जो है एडिटिंग में, ग्लिच जो आप इस्तेमाल करते हो, वो ये बहुत अच्छी तरह से करता है। सीरियसली, मतलब ये वीडियो एडिटर आप देखोगे तो बहुत ही स्टाइलिश है, और इवन ग्लिच इफेक्ट्स इतने सारे हैं, और कुछ तो दोस्तों इतने अच्छे हैं, मैं जब यूज कर रहा था आई रियली लव देम। और एक बात बहुत अच्छी है, सिर्फ 38 MB का ये ऐप है, वैसे 100 से भी ज्यादा ग्लिच इफेक्ट्स हैं, और हाँ म्यूजिक भी आता है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह आपके वीडियोस में डालना है आप वो भी इस्तेमाल कर पाओगे, एंड इट इज क्वाइट इजी टू यूज, ज्यादा इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, लर्निंग कर्व नहीं है, यूज कीजिए, एक दो वीडियोस करने के बाद यू विल बिकम अ प्रो। ऑलराइट, अगला जो ऐप है दोस्तों, अभी अभी रिलीज हुआ है, इनफैक्ट प्री रिलीज स्टेज में ही है अभी, 16 MB का सिर्फ ऐप है, इसका नाम है विडमा, VIDMA। ये जो है दोस्तों 4K रेजोल्यूशन में आप वीडियोस एक्सपोर्ट कर पाओगे, वो भी म्यूजिक वीडियोस, मतलब म्यूजिक वगैरह आपने डाला हुआ है, इफेक्ट्स वगैरह डाले हुए, और 4K के साथ आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, वाटरमार्क नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे ट्रांजिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो में, क्योंकि अगर आपके पास 15-20 अलग अलग वीडियो क्लिप्स है और आपको स्मूथली ट्रांजिशन करना है, तो बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आते हैं, एंड फिल्टर्स भी, वीडियो फिल्टर्स भी बहुत सारे, सो वेरी नाइस। एंड वो कट, ट्रिम वगैरह जो है, वो सब बेसिक फीचर्स तो है ही। ओवरऑल फॉर दैट साइज 16 MB, दिस इज अ ग्रेट 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 ऐप। ऑलराइट, ये जो अगला ऐप है बहुत यूजफुल है, 79 MB का है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन वीडियो लीप, ये जो ऐप है ना दोस्तों, एक तो एक यूनिक फीचर है इसमें, आप क्रोमा कर पाओगे, ग्रीन स्क्रीन होती है बहुत बार, आपको बैकग्राउंड वगैरह निकालना है, वो फीचर है इसके अंदर। और उतना ही नहीं, फॉर्मेट्स देखिए, इंस्टाग्राम पे स्क्वायर फॉर्मेट्स होते हैं, यूट्यूब पे आप डालिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेट जो है ये सपोर्ट करता है, और आप भी अलग अलग फॉर्मेट में आपकी वीडियोज एडिट कर पाओगे, सो दैट इज अ बिग थिंग। बहुत सारे लोगों को उसका प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे एप्स वो नहीं कर पाते हैं, विच दिस कैन डू। तो दोस्तों इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर, किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए आप आराम से एडिट कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स, और वाटरमार्क इसके अंदर भी नहीं है। वैसे अगर आप न्यूबी हो, ज्यादा आपको एडिटिंग के बारे में पता नहीं है, तो ये ट्यूटोरियल्स भी देते हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर, तो आप सीख भी सकते हो और वीडियो एडिट भी कर सकते हो। जो भी एप्स वगैरह बता रहा हूं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये जो पांचवा ऐप है दोस्तों, सीरियसली ये फोटो एडिटिंग के लिए भी और वीडियो के लिए भी है। 33 MB का ऐप है, और आपने नाम सुना होगा कैनवा। सबसे पहले फोटो एडिटिंग उनका प्लेटफॉर्म था, वेब के ऊपर था, उसके बाद में उन्होंने ऐप भी रिलीज किया। अब ये जो है दोस्तों कैनवा का वीडियो एडिटिंग ऐप, दैट इज आल्सो रियली ग्रेट। सबसे बड़ी बात कैनवा की है कि बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, आपके बहुत सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, टेम्पलेट लीजिए, आपके वीडियोज, फोटोज वगैरह डालिए, मस्त, बहुत सिंपल एक अच्छा सा वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, फ्री
फ्री कंटेंट होने की वजह से, मतलब बहुत सारे जो इमेजेस हैं, एनिमेशंस हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारे टेम्पलेटाइज्ड हैं जैसे मैंने बताया. सो यू नो इट मेक्स योर लाइफ मच इजियर. मैं खुद मेरे थंबनेल्स एडिट करने के लिए कैनवा 4 साल पहले इस्तेमाल करता था. आई रियली लाइक दैट. और सबसे अच्छी बात, अगर सोशल मीडिया पे आपको डालने हैं उधर से ही आप डायरेक्टली शेयर भी कर पाओगे, तो शेयरिंग भी बहुत अच्छा है इस ऐप के ऊपर. तो दोस्तों यही थे 5 वीडियो एडिटिंग ऐप्स जो यूनिक हैं, अच्छे हैं एंड यू डेफिनेटली शुड ट्राई इट आउट. अगर आपको कोई अच्छे वीडियो एडिटिंग ऐप्स की जरूरत है तो डू ट्राई देम आउट. जैसे पहले बताया, लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में. चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो लाइक करना मत. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.